क्या करने आए हो तुम यहाँ पे? पैसे खर्च पैसे खर्च करेंगे। हेलो, मेरा नाम अनीता जॉन विलियम है, मेरे साथ अंकिता विलियम। यू वांट टू से समथिंग अंकिता? अंकिता कम बोलती है, उसके बदले मैं बोल लेती हूँ। उनको आलू के कितने बड्डे बड्डे बैग में? हम आए हैं ग्रोसरी करने, तो हम आए हैं यहाँ ग्रोसरी करने, और हमें मिला यहाँ पे कोका कोला का, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, है ना, कोका कोला कोका कोला कोका कोला। कलरफुल है तो अच्छा लग रहा है। बाल बिगड़ गए हैं? कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना। सो आज हम आए हैं राल, पुलाव। देखो मन का ऐसा है, कभी भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, है ना। तो मेरा हुआ तो, और मैं मटन पुलाव नहीं खाना, मैं रेड मीट में अवॉइड करती हूँ बनते कोशिश, पर महीने में एक दो बार खा सकते हैं या हफ्ते में एक बार, ज़्यादा नहीं। तो मैंने सिर्फ 3 लेग पीस लिए, इसको मैंने बॉईल किया लेग पीस को, लहसुन अदरक प्याज सौंफ धनी खड़ा धनिया और कुछ गरम मसाला और नमक के साथ। और ये देखिए, ये निकला एक बढ़िया सा सूप या ब्रॉथ बोल सकते हैं, या अखनी पुलाव का अखनी है। बस ये जो राइस लाई हूँ ना, ये जो राइस हैं, इनको हम सीधे उबाल के खाएंगे ना तो इसका स्वाद नहीं आएगा। मैं बड़ी पिकी हूँ कि मैं स्वाद के पीछे मैं बड़ा अपना लॉजिक लेके चलती हूँ, क्योंकि यार खाना खा रहे हैं तो अच्छा खाओ ना। और ये है ना, उबल के अलग 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 हो जाता है, तो ये डेली यूज दाल चावल के साथ खाने के लिए मज़ा नहीं आती। तो मेरे पास मीट करी बनी रखी है, तो मैंने सोचा चलो झटपट पुलाव बनाते। तो ये है झटपट पुलाव अंकिता के लिए सरप्राइज। तो ये जो चावल है ना, ये बहुत अच्छा वाला चावल है, इसको हम उसके लिए पुलाव या बिरयानी में ही अच्छा लगता है मुझे। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस। सो चलिए अब हम इसको छानेंगे। तो क्या होता है गाइस, आप पूरे समय काम करते रहते तो ईश्वर बाप भी आपको एक ब्रेक देता है। यस, मुझे कुछ ना कुछ करने की आदत है, मैं बहुत बुरी तरीके से गिरी थी, और उसके बाद ये मेरी पहली रेसिपी है जो मैं बना रही हूँ। खाना बनाया है मैंने, पर लॉन्ग टाइम मैं खड़ी नहीं रह सकती थी इसलिए, बट अभी मैं आज मेरे को काफ़ी बेटर फील हो रहा तो ये उसका नतीजा है। आप अगर अच्छा फील करोगे तो ऐसे काम करोगे। तो ये निकाल लिया, मैंने पोटली नहीं बनाई थी, पर कोई बात नहीं, अब इसको रखो यहाँ, अब बघारेंगे छम छमा छम। तो क्योंकि कोई त्यौहार वार ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी मैं, क्योंकि
ये कोई त्यौहार वाला नहीं है, जस्ट सिंपल है। तो ये डाला, इसकी खुशबू छबीले की बहुत अच्छी आती है, और फिर डाली प्याज। अब इसको चलाएंगे, चलाओ भैया, अब इसका ब्राउन करेंगे। इसमें ये प्याज हम हल्के ब्राउन करेंगे, तो अभी टाइम लगेगा। यहाँ की प्याज बहुत बड़ी बड़ी होती है यार, हमारे इंडिया की अच्छी रहती है, पर ठीक है, सब तरह की मिलती है, छोटी बड़ी सब मिलती है। बन जा बन जा बन जा। तो ये है मेरा बेड जो मैंने ढंग से बनाया नहीं है, सो बेड बिकॉज मैंने इसलिए नहीं बनाया, मैं अभी वापस सोने वाली हूँ, मेरे को रात को नींद नहीं आई, क्यों नहीं आई पता नहीं, तो रात को मैं सो नहीं पाई हूँ, पर नींद तो कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। तो ये खाना वाना बना के खा खू के मैं वो करूँगी, सो जाऊँगी, फिर उठूँगी, फिर कुछ रील्स बनाऊँगी। और ये है हमारे यहाँ का वेदर आज का, कितना अच्छा खुला खुला आसमान है ना, सुंदर, अति सुंदर, अलग खुला खुला, ये रोशनी लल। देखा मेरी आवाज़ निकलने लगी, मेरी तबीयत अच्छी होगी। तो सही, ऑलमोस्ट ब्राउन हो रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। मैं वही दिखाती हूँ जो मैं करती हूँ दिन भर में, तो मैं ये करती हूँ, अपनी पिता के को भी पसंद है। ये मैंने दो तीनों लाते डाल दिए इसमें, लाते को प्याज के साथ ब्राउन करेंगे इन लाखों को, मैं लाख खाऊंगी लाख। तो जो ये बन, तो ये जो बन फ्राई कर लिया हमने, अब इसमें डालेंगे चावल, क्योंकि मैं कैमरा पकड़ूँ और फिर इसको करेंगे फ्राई। पानी नहीं डालना था पर चलो कोई नहीं, सूख जाएगा ना, बोले वो तो मैंने कुछ कहा न जाने मेरे लगा। तो इसको बड़े प्यार से थोड़ा सा सेकेंगे और फिर थोड़ी देर ऐसे होने देने के बाद ये जो हमने अखनी बनाई थी पूरा का पूरा का पूरा डाल देंगे। हाँ, इतना गरम नमक वमक कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको देखिए आप, थोड़ी देर के बाद मैं बताती हूँ आपको। तो देखो ये हमारा बना है झटपट चिकन पुलाव, जिसमें है कुछ लाते, चिकन की लाते। तो आप थोड़ी देर में हम खाएंगे, बट मैंने सोचा आपको बता दूं, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, खाने के बाद पता चलेगा कैसन बा। अंकु देख मैंने क्या बनाया, चिकन की लात का पुलाव। अब देखो अंकु बुआ हमने क्या बनाया, चिकन की लात का पुलाव। और थोड़ा सा ये री लात तो खनी लात खनी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हम लोग अच्छे हैं, ऐसे ही उम्मीद आपके लिए करते हैं। और मैं फिर से शुरू कर रही हूँ अपनी व्लॉगिंग, क्योंकि मैं बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो अभी मैं ठीक हो चुकी हूँ। ये मेरी बॉटल मैंने जो धो के, अभी पानी है इसमें, इसको मैंने धो के रखी, मैं सोची थी पानी निकल गया इसका, अभी नहीं निकला, तो थोड़ी देर और रखेंगे क्योंकि इसमें मुझे कुछ रखना है। तो यस, और ये मैं स्पंज जिससे बर्तन धोते हैं उसको भी मैं सुखा लेती हूँ, क्योंकि ये वाले जो होते हैं ना ये सूखते नहीं हैं जल्दी, फिर इसमें स्मेल आने लगती है और जो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो ये मैंने सुखा लिया, थोड़ा सा अंदर से और गीला है, वैसे भी शाम को लगेगा। और ये है हमारे यहाँ की दोपहर, और दोपहर के बज रहे हैं एक, और दुनिया फिर भी चले पड़ रही है, कभी कभी गाड़ियाँ संडे थोड़ी कम होती है और रात में होती है, रात में भी चलता ही रहता है प्रोग्राम। जी हाँ, और ये हमारे यहाँ कटिंग हुई, और देखो यहाँ कभी ग्रीनरी हुआ करती थी,
जो धूप के कारण पत्ते सूख रहे हैं, क्या ये पानी नहीं दे रहे? वाह, जिस तरफ निकले थे उधर के अच्छे हैं, बढ़े हैं, यहाँ से सूखे हैं बिल्कुल पानी के। रात को डलता है पानी, रात के स्प्रिंकल्स चालू रहते हैं, पानी डलता है, लेकिन इसलिए क्योंकि धूप है तो ये सूख रहे हैं, आधे ग्रीन आधे ब्राउन। सूरज क्या जाना मेरे कैमरे में, ये सूरज, हेलो, आपको देख के अच्छा लगता है, थोड़ा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ है, क्योंकि अगर बादल बादल रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। बस आज के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास ज़्यादा फंक्शन नहीं है, मैं जल्दी ही शुरू करने वाली हूँ फिर से। ये है मेरी आज की वीडियो, होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।